ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार और SSP जन्मेजय खंडूरी ने आज मंसूरी में मॉल रोड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि मॉल रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मंसूरी में यातायात व्यवस्था के साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि आज मंसूरी भ्रमण का मुख्य उद्देश्य यहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के पालन हेतु मंसूरी शहर की मॉल रोड में भ्रमण के दौरान बिना मास्क लगाने वाले पर्यटकों का चालान किया गया। साथ ही उन्हें प्रकट से अपील की कि मॉल रोड पर बिना मास्क के ना घूमें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने शहर के दुकानदारों से भी आह्वान किया कि वह मास्क लगाएं और दुकान पर आने वाले लोगों को भी मास्क लगाने के लिए कहें। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन और कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए कहा गया है, साथ ही पालन ना करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। सर, आज आप मसूरी आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आज मसूरी शहर में जो आपके कदम पड़े हैं सर, जो सर अक्सर जो है वीकेंड में शनिवार और इतवार को गुफाल गेट पर सर मसूरी यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनकी चेकिंग की जाती है सर, तो सर क्या गाइडलाइन है सरकार की इसको लेकर जो पर्यटक मसूरी आ रहे हैं? देखिए, बेसिकली SOP जारी हैं, जो भी आ रहा है वो विद इन 72 आवर्स उसका RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। अगर उसको दोनों वैक्सीन लगी हैं तो डबल वैक्सीन का उसके पास प्रूफ होना चाहिए, तो ये क्लियर कट गाइडलाइंस है। इसके बाद जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी SOP जारी की गई है कि वो ओपन एरियाज़ में घूमें तो मास्क लगाकर घूमें, पब्लिक स्पेसेस में घूमें तो मास्क लगाकर घूमें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। तो गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बताई गई हैं, तो उनको फॉलो कराने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज मैं और DM साहब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वीकेंड है। देखिए, ये आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन जो है, SP साहब भी हैं मेरे साथ में, तो ये कंबाइंड अभियान है पुलिस और जिला प्रशासन का। तो ये जो SOPs हम लोगों ने जारी की हैं फिलहाल, तो उसका अनुपालन हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और वैसे तो हमने यहाँ पे पाया कि काफ़ी लोग जो है अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है और कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने जो है बिना मास्क पहने हुए जो है यहाँ पे सर्व कर रहे हैं लोगों को, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये बेसिकली एक जागरूकता अभियान भी है कि लोग अपने आप में सतर्क रहें और SOPs का अनुपालन सुनिश्चित करें। सर, एक सवाल था आपसे कि जो लंढौर से लेकर चार दुकान तक वाला सड़क है सर, उसमें हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस द्वारा कुछ पहले आगे यातायात की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन अभी फिर वहाँ फिर से वही स्थिति हो चुकी है, शनिवार इतवार को खास दिक्कत होती है। देखिए, ट्रैफिक की का इशू तो है ही, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो हम जो है SSP साहब के साथ बैठ के कोशिश करेंगे कि इसका एक प्लान जो है ट्रैफिक प्लान हम बैठ के रेगुलेट कराएं। मुख्य सचिव महोदय का भी ये इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे कुछ जगह हम लोग ऐसी जगह चयनित कर लें जहाँ पे हम वन वे कर सकते हैं, तो इस पे भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक 2-3 मीटिंग्स हम लोगों ने कर भी दी हैं, कॉम्प्रेहेंसिव प्लान बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आइंदा जो स्ट्रेचेस हैं। कुछ जगह हमने जो है, जैसे हम विजिट यहाँ पे कर रहे थे तो देखा कि काफ़ी स्ट्रेचेस पे कुछ जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, कुछ जगह पे जो है ऐसे बैरियर्स हैं जो जिनको हटाया जा सकता है विभाग से बात करके, तो ये भी हमारे प्लान में है। मैडम, मास्क लगाइए प्लीज, पूरा अपना प्लीज।